हेलो दोस्तों, जितेंद्र बिजनेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए काजू का होलसेल रेट बताएंगे कि काजू का होलसेल एक साथ 1 किलो लेने पे कितने का आता है और होलसेल में एक काजू ब्रांड कितने का मिलेगा। आप देख सकते हैं कि एक काजू है जो एक साथ 1 किलो लेने पे कितने आते हैं और खुले लेने में कितने का आता है। तो आज हम आपको बताएंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं हूं आपके संग जितेंद्र साहू, किराना बिजनेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए किराने से रिलेटेड वाली वीडियो ही बताते हैं। तो दोस्तों, ए पैकेट अगर हम एक लेंगे, मात्र एक पैकेट लेने पे हमारे लिए ए पैकेट मात्र 200 रुपये का पड़ता है। हाँ दोस्तों, सही सुना है आपने कि ए हम एक पैकेट लेंगे तो 200 रुपये का पड़ेगा। अगर यही हम एक साथ होल सेल में ख़रीदेंगे तो ए हमको मात्र 620 रुपये का मिल जाता है, 620 रुपये का किलो भर मिल जाता है अगर हम होल सेल में लेते हैं तो। दोस्तों, होल सेल में लेने के लिए हमारे लिए होल सेल में लेंगे तो एक साथ 620 रुपये का पड़ जाता है और अगर यही हम खुला लेंगे तो मात्र 200 रुपये का पड़ता है, यानी 800 रुपये के जी। हाँ दोस्तों, 800 रुपये के जी प्रत्येक के जी पर पड़ता है और एक साथ लेने पर 620 रुपये का किलो पड़ता है। आप देख सकते हैं टेम्पटेक्शन क्यों नेचने प्राइमरी क्वालिटी क्रिस्प यानी बहुत ही ब्रांडेड वाला काजू है। ये एक पैकेट लेने पे एक साल तक ख़राब नहीं होता है दोस्तों। और इसका वजन ये लिखा हुआ है टेक्शन चाहिए, ये इसमें मिलावट है जो जो आती है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कंपनी का काजू है। ये है देखो दोस्तों, नेचुरल वेन 100 ग्राम, प्रोटीन 21 ग्राम, ये बहुत ही अच्छा है दोस्तों। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको ख़रीदना है तो होल सेल में लेने के लिए जाएं, अन्यथा बिल्कुल ना लें, क्योंकि वैसे तो ले गए आपको खुला महंगा पड़ेगा और होल सेल में इसकी प्राइस 620 रुपये होती है। हाँ दोस्तों, 620 रुपये में आता है एक के जी। अगर आपको लेना है तो वैसे मार्केट से ले सकते हो तो 200 रुपये का आएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए रोज़ ऐसे ऐसे नए आइटम का प्राइस बताते रहते हैं। अगर दोस्तों अब हम एक खुला भी लेते हैं तो खुला और कम का आता है। अगर हम काजू खुला लेंगे तो बहुत ही कम का आता है। ए मात्र खुला लेने पर ए वाला काजू दूसरा ब्रांड रहता है जो कि वो 500 रुपये किलो आता है, 400 रुपये का किलो भी आता है और 600 रुपये का भी किलो आता है, जैसा भी हम लेंगे वैसा खुला आता है दोस्तों। तो अक्सर मैं यही कहूँगा आपसे कि आप अगर लें तो पैकेट ही ख़रीदें, क्योंकि पैकेट में बहुत ही अच्छा और स्वादिष्ट काजू आता है। आपके लिए पैकेट में कोई भी शिकायत नहीं रहती है और कुछ भी नहीं रहता है, और अगर खुला लोगे तो घुना वगैरह या ऊसा अजीब भी आता है। तो दोस्तों, मैं आपके लिए यही सलाह दूंगा कि आप लें तो पैकेट का ही लें, अन्यथा बिल्कुल ना लें। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए रोज़ ऐसी नई नई वीडियो लेके आते रहते हैं और आपके लिए सारा प्राइस बताते रहते हैं। तो दोस्तों, आपके लिए हमारी वीडियो कैसी लगी तो आप हमारी वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके लिए हम नई रोज़ रोज़ ऐसी वीडियो लेके आते रहते हैं। और दोस्तों, ये है बादाम। दोस्तों, अगर आप ये मार्केट में लेने जाओगे तो 700 रुपये की खुले में मिलेगी। अगर आप इसके लिए अगर होल सेल में ख़रीदोगे तो ये आपके लिए बहुत ही कम में आएगी। होल सेल रेट इसके मात्र 550 रुपये हैं दोस्तों। हाँ, एक ब्रांड देते ही बादाम है जो 550 रुपये प्रति किलो आती है। अगर आप इसको 100 ग्राम लोगे तो 80 रुपये की 100 ग्राम आती है। अगर आप इसको होल सेल रेट में लोगे तो 580 रुपये पर कितने आती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये होल सेल रेट अच्छा लगा हो तो आप हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो लेके आते रहते हैं। ये बादाम है जो बहुत ही अच्छी और स्वादिष्ट है दोस्तों। तो ये बहुत ही अच्छी और स्वादिष्ट बादाम है जो आपके लिए होल सेल में 580 रुपये किलो आती है। हाँ दोस्तों, ये होल सेल में 580 रुपये किलो आती है और पैसे खुली लेते हैं तो 80 रुपये की 100 आती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये
इन सभी भावों का फल चल ले। अच्छा लगा हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।